नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, पिछले 2.5 साल से वसई विरार महानगर पालिका चुनाव नहीं हुआ, जिससे सत्ताधारी पार्टी काफी मुश्किलों में है, उसके काम नहीं हो पा रहे हैं। वहीं साथ ही साथ स्थानीय सत्ता पार्टी बहुजन विकास आघाड़ी के पुराने नेताओं का सत्ताधारी बहुजन विकास आघाड़ी से मोह भंग हो रहा है। कई ऐसे नेता जो इन 2-2.5 सालों में बहुजन विकास आघाड़ी को छोड़कर जा चुके हैं, पंकज देशमुख है, सुदेश चौधरी है, ऐसे कई नाम है। और इन्हीं नामों में एक नाम जुड़ा है, अभी बहुजन विकास आघाड़ी के बैनर तले नगर सेवक चुने गए मोहम्मद खटीक का। मोहम्मद खटीक जो कि सातीवली क्षेत्र से नगर सेवक रह चुके हैं बहुजन विकास आघाड़ी के ही टिकट पर, वो अब बहुजन विकास आघाड़ी छोड़कर शिवसेना में प्रवेश ले चुके हैं। अभी हाल ही में 1-2 दिनों पहले मोहम्मद खटीक ने अपने हाथों पर शिवबंधन बांधा और आधिकारिक रूप से बहुजन विकास आघाड़ी त्याग कर वो शिवसेना में प्रवेश कर गए। आज से करीब 6-7 महीने पहले ही हमको यह अंदेशा था, हमको ये खबर लगी थी कि मोहम्मद खटीक जो है उनका पार्टी से मोह भंग हो चुका है। तब हमने उनका एक बयान लिया था, एक इंटरव्यू लिया था। हालांकि किन्हीं कारणों से वो इंटरव्यू तब हम प्रसारित नहीं कर पाए थे, और वो इंटरव्यू में हमने सवाल किया था कि आप बहुजन विकास आघाड़ी छोड़ने वाले हो, तो तब उन्होंने नहीं में जवाब दिया था कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बहुजन विकास आघाड़ी नहीं छोड़ रहा हूं, लेकिन भविष्य में सोच सकता हूं, तब उन्होंने जरूर कहा था। अब आज के समय में मोहम्मद खटीक के उस ना पर हां की मोहर हो गई, और मोहम्मद खटीक ने अब आधिकारिक रूप से बहुजन विकास आघाड़ी को त्याग दिया। तब सवाल यह है कि बहुजन विकास आघाड़ी से वोटरों का मोह भंग तो हो ही रहा है, लेकिन पार्टी के नेताओं का मोह भंग क्यों हो रहा है? तो कहीं ना कहीं बहुजन विकास आघाड़ी में भी इस समय, अगले चुनाव तक बहुजन विकास आघाड़ी में भी काफी उठापटक और भी हो सकती है। सर, ऐसा सुनने में आया कि आपने बहुजन विकास आघाड़ी छोड़ दी, क्या सही है? छोड़ी नहीं है, ऐसा नहीं है, मैं छोड़ी नहीं है, मगर देखते हैं। क्या विषय कारण था कि आप बहुजन विकास आघाड़ी से आपने मुंह मोड़ दिया? हमने नहीं मोड़ा, उन्होंने मोड़ा हमसे। तो आने वाले चुनाव में आपकी क्या पार्टी के प्रति आपकी क्या भूमिका रहेगी? तटस्थ रहेंगे। पर आप अपने वार्ड से इच्छुक उम्मीदवार है, आप एक बार इच्छुक उम्मीदवार है, तो आप तटस्थ, यानी तटस्थ का मतलब यही होगा कि आप, अगर आपको टिकट नहीं मिला तो आप निर्दलीय चुनाव में उतर सकते हैं। ये बात कौन सा वार्ड आपका चहिता वार्ड रहेगा? ये जो अपना 27 नंबर है, अभी अगर इस बार 27 की है, अगर 27 मिला तो बहुत अच्छा रहेगा। अपने क्षेत्रवासियों से आपकी क्या उम्मीद है? आप एक बार के सिटिंग नगर सेवक है, लेकिन उस समय आप पार्टी के बैनर तले थे, अब अगर आप निर्दलीय लड़ते हैं तो आपको उम्मीद है कि आपका वोटर या आपसे जुड़े हुए लोग वो आपको जिता के महानगर पालिका में पहुंचाएंगे, महासभा में पहुंचाएंगे? देखो, वोटर वासियों के लिए बहुत कुछ उम्मीदें उन्होंने हमसे रखी थी, पार्टी से रखी थी, मगर पार्टी ने उनको उम्मीद से उनको ये कर दिया, उनकी उम्मीद पूरी नहीं हो पाई। पानी का विषय लोगे तो पानी का विषय 2015 में आप बोले थे कि तुम्हारे दिसंबर में पानी आ जाएगा, 15 का दिसंबर में रुको, 3 महीने में पानी आ जाएगा, जब इलेक्शन हो रहा था 2015 का, ना आज तक, आज 22 हो गया तो भी पानी नहीं है। ये जब जो भी अभी सातवीं में पानी है ना, और ग्राम पंचायत के टाइम का जो पंचायत बावड़ी से हम पानी दे रहे थे, वो पानी तो अभी ये पानी जोड़ा गया है, वही पानी हम लोग पी रहे हैं अभी, तो सतरी गांव के पानी नहीं है। पानी का विषय बहुत बड़ा है, सबसे ज्यादा बड़ा है। अभी जो सिटिंग नगर सभा थे इस टर्म में, उनसे और आपके रिलेशन कैसे हुआ? नहीं, रिलेशन तो अच्छे हैं। नहीं, पब्लिक का काम करने के लिए, पब्लिक का काम तो अभी पब्लिक बताएगी, उसके लिए हम क्या बताएंगे, पब्लिक जाने, पब्लिक बताएगी। और कुछ कहना चाहेंगे?
हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।